एबीपीएस न्यूज। एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक पम्बासा में स्थित नगला खोकर गांव पड़ा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 10 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर है। लगभग 3000 की आबादी व 1000 वोटरों द्वारा कृष्ण पाल सिंह को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 285 राशन कार्ड धारक हैं। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 170 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गांव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 24 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिनमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 4 हैंडपंपों को भी रिबोर कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में विद्युत पोल व विद्युत ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाली, पुलिया व पानी की टंकी का निर्माण कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 75 इज्जत घरों का भी गांव में निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल की बाउंड्री, शमशान घाट, नालों पर जाल, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। ग्राम पंचायत नगला खोकर, उसका मैं ग्राम प्रधान कृष्णपाल सिंह, ब्लॉक पम्बासा, जनपद संभल से बोल रहा हूँ। हमारे गाँव के अंदर जो नालियाँ हैं वो नालियाँ सारी ब्लॉक हो गई हैं। 2005 में सीसी हुई थी, साइड में पत्थर डाल के नाली ब्लॉक हैं, वो सब यू वाली नाली बने, रेल वाली। और नालों का जो पानी है वो सारा ब्लॉक है, नाले गांव के अंदर नहीं है तैयार। एक नाला बनवाया है मैंने, उसकी भी रकम मेरे पास पूरी ना हो सकी, वो भी आज उधारी में है। दूसरी साइड में कम से कम 250 मीटर नाला तैयार होना है, जिसका पानी तालाब में जाना है। दूसरा एससी के मोहल्ले में 118 मीटर सड़क डलवाई थी मैंने, और आज की तारीख में वहाँ पे एक तालाब है जहाँ तक उसकी लंबाई मेरे 500 मीटर के आसपास है, वो वहाँ तक नाली बनवा दी जाए तो लोगों को सुकून होगा और वहाँ की दुर्दशा सुधर जाएगी। हमारा वन रोड गांव है, जो की बसियत रोड पर है, दूसरी ग्राम पंचायत दूसरी तरफ लगती है, हमारी ग्राम पंचायत हमारी तरफ से। मैं सरकार से आवेदन कर रहा हूँ कि हमारी तरफ से, हमारी ग्राम पंचायत की तरफ से जो नाला बनवा दिया जाए और वो तालाब में उसका पानी पहुँच जाए, जिससे कि बरसात में लोगों को कोई परेशानी ना हो। उनके घर के सामने पानी भरा रहता है, ग्राम पंचायत की बात, इतना पैसा नहीं है जिससे काम करा सके। और गांव के अंदर जो लाइटें वाइटें हैं चौराहे पर, वो भी लगवाई जाए। हमारा सामुदायिक केंद्र है, उसकी बहुत दुर्दशा खराब है, भूर भूर ताले, उल्टा सीधा काम, उसका गेट फेट तोड़ दिया है लोगों ने, उसके बारे में भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो गांव की सड़कें जर्जर हैं, रात में आदमी निकलता है तो ठोकर लगती है आदमी को, गड्ढे हो रहे हैं, तो उसके लिए मरम्मत को पैसे आए। राज्य सरकार से आवेदन कर रहा हूँ मैं, केंद्र सरकार से भी, जो कि उनकी व्यवस्था सुधर सके। और मेरे गांव के अंदर आवास के लिए जो लोग हैं, मैंने पत्रकार साहब को दिया है लिख के, करीबन 80-90 लोग ऐसे हैं जो आवास के दायरे में आते हैं। शौचालय की सूची जमा कर दी है, वो बन रहे हैं। और जो विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, उसके बारे में भी अभी कोई पेंशन हमारे गांव से चालू नहीं हुई है। लोगों ने आवेदन करे हैं लेकिन कोई स्वीकृति अभी सरकार से नहीं हो पाई है। मैं अपनी तरफ से आवेदन कर रहा हूँ कि हमारे ग्राम पंचायत के अंदर शमशान घाट जो है, ना ही उसकी कोई चारदीवारी है और ना ही कोई जगह चयनित है। जगह तो है लेकिन उसकी कोई भी बाउंड्री नहीं है, और अगर बरसात में किसी की मौत हो जाती है तो बरसात में परेशान हो जाता है व्यक्ति, कैसे जलाएं, कैसे क्या करें।
और जाने का हालात ये है, कम से कम गांव से कम 1000 मीटर की दूरी पे शमशान है हमारा, वहाँ तक रास्ता इतना बदतर है, इतना ख़राब है कि पूरे गांव का पानी उसी रास्ते पे जाता है जो नदी को रास्ता जाता है, वह पानी भर जाता है, आदमी निकलने मरने को परेशान है। हाँ, मैं ग्राम नगला कुकर से राम शर्मा बोल रहा हूँ, ग्राम पंचायत नगला कुकर से, जो कि हमारे ग्राम पंचायत नगला कुकर की सड़कें टूटी हुई हैं, इनके लिए सुधार करने के राज्य सरकार से मांग की जाए, क्योंकि इस प्रकार इतना पैसा हमारी ग्राम पंचायत में आ नहीं सकता जिससे कि हमारे प्रधान जी इनकी पूर्ति कर सकें। मैं ये मांग करूँगा कि राज्य सरकार इनके लिए, इनके टूटे फूटे गड्ढों के लिए कुछ मदद मिलनी चाहिए।